Good morning, students. Today's our topic is collision. Collision in wireless network. Exact collision hota kya hai? Hum log jo network use karte hain, wo do tarike ke network use karte hain. Ek to hota hai hamara wireless aur ek hota hai hamara wired network. To jo collision hota hai wo wireless network ke andar aata hai. Pehli cheez to ye. Ab collision exact hota kya hai? Hum ye bahut acche se jante hain ki suppose two person are communicating with each other and both are speaking at the same time. And both are listening at the same time. They cannot do both work. एक बार में एक ही काम होगा. सामने वाला person बोलेगा, आप सुनोगे. जब आप बोलोगे, तो सामने वाला person सुनेगा. यही तो process होती है. Collision में भी यही होता है. कि suppose there is A system और there is B system. Suppose A system ने और B system ने दोनों ने एक साथ demand करी है या एक साथ data को send किया है. तो that is the condition of collision. यानी वहाँ पर आके A और B दोनों का data corrupt हो गया. उस केस में आता है. उस केस को हम पहले ये देखते हैं, हम उस केस को कैसे डिडक्ट करते हैं. तो बात करते हैं अब कॉलिजन की. कि कॉलिजन में सबसे पहले जो आता है हमारा, कॉलिजन को डिडक्ट करने के लिए वी यूज द प्रोसेस और टेक्निक दैट इज कॉल्ड द CSMA. CSMA CD कॉलिजन, सॉरी, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कॉलिजन डिटेक्शन. ये इसकी हो गई फुल फॉर्म. अब CSMA CD काम कैसे करता है, अब बात हम उसकी करते हैं. देखिए, अब हमें ये देखना है कि कॉलिजन तो हो गया, यानी हमारा डेटा करप्ट तो हो गया. जब हमारा डेटा करप्ट हो गया है तो बात आती है इसको डिटेक्ट कैसे करें कि कहाँ पर जाके डेटा हमारा करप्ट हुआ है. तो पहले ये देखते हैं कि हमारे जो नेटवर्क के बीच में जो डेटा ट्रांसफर होता है वो कैसे ट्रांसफर होता है. सपोज ये मेरी बस टोपोलॉजी है और यहां पर मान चलिए 4 स्ट्रम्स आर कनेक्टेड, ए बी सी और डी. अब ए डेटा जो है वो डी को ट्रांसफर करना है. अब ए डेटा जो डी को ट्रांसफर करेगा, उसने डेटा को ट्रांसमिट करना स्टार्ट किया. जो डेटा को वो ट्रांसमिट कर रहा है उसको बोलते हैं प्रोपिगेट ड्यूरेशन, यानी किस ड्यूरेशन में वो डेटा को ट्रांसमिट कर रहा है. अब ए को डेटा ट्रांसफर करना है डी के पास, यानी ए जो डेटा को ट्रांसफर कर रहा है उसका डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस किसका है, डी का है. तो जब ए ने डेटा को ट्रांसमिट किया तो पहले बी ने चेक किया, लेकिन बी ने देखा आईपी एड्रेस उसका नहीं है, तो बी ने इसको क्या कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया. फिर डेटा आगे ट्रांसमिट हुआ, सी के पास पहुंचा, सी ने देखा कि मेरा आईपी एड्रेस है, नहीं, उसने भी डिस्कार्ड कर दिया. ऐसे करके डेटा कहाँ पहुंच गया, डी के पास. ये तो हो गई प्रोसेस पहुंचने की, जिसको हमने बोल दिया प्रोपेगेट ड्यूरेशन, यानी पहुंचने की टाइमिंग हमारी. अभी मान चलिए ए जब डेटा ट्रांसफर कर रहा है, एट द सेम टाइम मान चलिए डेटा यहाँ तक ही पहुंचा है, इतने में डी ने डेटा क्या कर दिया, सेंड कर दिया. चाहे ए को सेंड किया, चाहे सी को किया, चाहे बी को सेंड किया, यहां पर आके क्या हुआ, डेटा क्या हो गया, करप्ट हो गया. ना ए का डेटा डी के पास पहुंचा, ना डी का डेटा ए के पास पहुंचा है. अब बात आती है इसको हम डिडक्ट कैसे करेंगे. चलिए पहले आप बात करते हैं सिंपल, हम दो सिस्टम लेकर चलते हैं. एक सिस्टम हमारा ए है और एक सिस्टम हमारा बी है. मान चलिए ए ने जो डेटा ट्रांसफर कर रहा है वो 5 PM पर स्टार्ट किया उसने, 5 PM पर, और ओवरऑल 1 आवर की ड्यूरेशन है कि 1 आवर की ड्यूरेशन में उसे डेटा को ट्रांसमिट करना ही करना है. अब ए ने क्या करा, डेटा को ट्रांसमिट किया और यहां तक ही पहुंचा था, और ऐसे टाइम में बी ने भी डेटा को ट्रांसफर कर दिया, यानी यहां पर दोनों ने एग्जैक्ट यहां पर आके डेटा का दोनों को क्या हो गया, करप्ट हो गया डेटा. अब बात आती है मतलब, यानी इसने भी कितने बजे, 5 PM बजे डेटा को ट्रांसफर किया है. मैं इक्वल टाइम इसलिए लेकर चल रहा हूँ, यानी यहाँ पर जो डेटा करप्ट हुआ है हमारा 5:30 पे हुआ है. मैं एक्चुअली इक्वल टाइम इसलिए लेकर चल रहा हूँ बिकॉज ये मान लीजिए कि दोनों अगर सेम नेटवर्क में है, दोनों फाइबर भी यूज करें, तो फाइबर जो ऑप्टिक केबल होती है वो कॉन्स्टेंट स्पीड देती है, यानी ए को भी वही स्पीड देगी जो बी को भी देगी वो. तो ऑब्वियसली इसका मतलब 5:30 पे आके डेटा को हुआ. अब यानी इस तरीके से डेटा क्या हुआ, वापस लौटना स्टार्ट हुआ ए के पास, यानी ए को करीबन 6 PM के अप्रोक्स जाके पता चला कि मेरा डेटा का लॉस हो गया है. अब ये डिडक्शन का केस कब है, ये डिडक्ट कब करेगा ए,
ए तब डिटेक्ट करेगा कि जब वो 5 PM पर यानी 5 बजे उसने डेटा को ट्रांसमिट करना स्टार्ट किया है, और जब डेटा उसके पास जब लौट के आया है तब भी वो डेटा को क्या कर रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है। अगर ए तब भी डेटा को ट्रांसमिट कर रहा है दैट उस केस में हम क्या कर सकते हैं, उस नोड को उस सिस्टम को डिटेक्ट कर सकते हैं जहाँ पे हमारा डेटा जाके करप्ट हुआ है। मान चलिए ए ने डेटा ट्रांसफर करा और 5:30 पे आके उसने डेटा ट्रांसमिट करना बंद कर दिया, लेकिन जब उसके पास डेटा लौट के आया वो आया कितने बजे, 6 PM पर। जब डेटा उसके पास 6 PM पर लौट कर आया तब हम ये नहीं कहते, हम उस केस में हम ये डिटेक्ट नहीं कर सकते कि डेटा कहाँ जाके करप्ट हुआ है, बिकॉज जब ए के पास डेटा जब लौट के आएगा तो ए ये जज नहीं कर सकता कि ये डेटा मेरा ही है या किसी और का है। सेम केस में ऐसे देख लीजिए, ए ने डेटा यहाँ से ट्रांसफर करना स्टार्ट किया और यहाँ पर आके डेटा उसका करप्ट हो गया। अब डेटा उसके पास लौट के आया, जब ए ने ट्रांसमिट करना बंद कर दिया, जब ए के पास डेटा लौट के आया तो मे बी सी का डेटा भी हो सकता है, मे बी बी का डेटा भी हो सकता है, मे बी डी का भी डेटा हो सकता है और ए का भी हो सकता है, तो ए डिडक्ट ही नहीं कर पाएगा कि डेटा है किसका। एक तो ये इस केस में हम लोग क्या करते हैं, इस केस में अब ये हो गया कि अब डिडक्ट होगा कैसे। डिडक्ट केवल तभी हो सकता है कि जब मेरा ट्रेवल टाइम प्रोपिगेट ड्यूरेशन से अगर बड़ा है, तब तो मैं डिडक्ट कर सकता हूँ कि मेरा डेटा ही करप्ट हुआ है या किसी और का डेटा करप्ट नहीं हुआ है। अब बात आती है कि एक वर्स्ट कंडीशन भी हो सकती है। कैसे हो सकती है, वही मान चलिए ए सिस्टम है और बी सिस्टम है। ए ने डेटा को ट्रेवल करना स्टार्ट किया, वही 1 आवर की ड्यूरेशन है ओवरऑल। ए ने डेटा को ट्रांसफर करना स्टार्ट किया कितने बजे, 5 PM के अप्रोक्स। और मान चलिए बी ने जो डेटा ट्रेवल करना स्टार्ट किया वो उसने मान चलो 5:58 पे ट्रांसफर करा, यानी विद इन 2 सेकेंड बी को तो ये पता चल जाएगा कि एरर आ चुकी है। जब डेटा उसका वापस लौट के जाएगा, बी का डेटा जब वापस उसके पास लौट के जाएगा, विद इन 2 सेकेंड बी को ये पता चल जाएगा कि मेरा डेटा करप्ट हो चुका है। वो क्या करेगा, उसको ट्रांसमिट करना बंद कर देगा, बी डेटा को ट्रांसमिट करना बंद कर देगा। यानी बी ने तो डिटेक्ट कर लिया कि डेटा मेरा ही है, आगे भेजना बेकार है। जब डेटा मेरा वहां पर सामने वाले कैंडिडेट के पास पहुंच ही नहीं रहा तो भेजना बेकार है, तो बी क्या करेगा, रुक जाएगा। लेकिन ए के पास जब ये लौट के आएगा वापस, तो अगर मैं देखूं तो अप्रोक्स, मैं फिर यूज कर रहा हूं अप्रोक्स, इसको ये पता चलेगा कि करीबन 5:56 पे जाके, सॉरी 6:56 पे जाके इसको पता चलेगा कि मेरा डेटा का क्या हो गया है, लॉस हो गया है। लेकिन वही अगर ए कब पता चलेगा, ए कब डिटेक्ट कर पाएगा, ए तब डिटेक्ट कर पाएगा जब वो तब तक ट्रांसमिट कर ही रहा है डेटा। अगर ट्रांसमिट वो नहीं कर रहा, उसने ट्रांसमिट करना बंद कर दिया, तो फिर ए डिटेक्ट नहीं कर पाएगा डेटा मेरा ही है या किसी और का, क्योंकि ये बिट की फॉर्म में जा रहा है, बाइनरी फॉर्म में जा रहा है। ठीक है, इस चीज से बचने के लिए कि डेटा डिडक्ट तो हो गया और करप्ट भी हो गया, दोनों केस हो गया। अब बात आ रही है कि इससे बचा कैसे जाए, इसको रिड्यूस कैसे किया जाए। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हमारे पास एक नया प्रोसेस है, दैट इज सी एस एम ए सी ए, यानी कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। हमने यहाँ यूज किया था CD, यहाँ हमने यूज करा था CD आपका, यानी कॉलिजन डिडक्शन। अब यहाँ क्या है, कॉलिजन अगर हो गया यानी करप्ट हो गया, अब क्या करा जाए उस केस में। उस केस में दो मेथड है, यानी एक तो है हमारे पास CA यानी AC के एक्नोलिजमेंट मेथड, और एक और आता है हमारा दैट इज CTS और RTS। CTS और RTS क्या होता है, चलिए जानते हैं। चलिए अब क्या करते हैं, ए और बी वापस से वही एक दो नोड लेते हैं, और ए क्या करेगा, ए डेटा को ट्रेवल करना स्टार्ट करेगा, और जब डेटा ट्रेवल होगा तो वो क्या करेगा, बी से एक्नोलेजमेंट मांगेगा कि बी के पास डेटा पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। अगर इन केस बी के पास डेटा नहीं पहुंचा है, बी के पास डेटा नहीं पहुंचा है, तो वो ये मान लेगा कि मेरा जो डेटा ट्रांसफर मैंने किया था वो फेल हो गया, वो रिट्रांसमिट करना स्टार्ट करेगा। और अगर बी एक्नोलेजमेंट दे देता है ए के पास कि मेरे पास डेटा आ चुका है, तो ए कंफर्म हो जाएगा कि मेरे को डेटा को रिट्रांसमिट नहीं करना। दैट इज दी CSMA CA ACK एक्नोलेजमेंट मेथड। एक इसके अंदर एक और मेथड होता है यूज, वही ए और बी है, ए डेटा को ट्रेवल कराएगा, लेकिन ए पहले सबसे पहले क्या करेगा, बी से पूछेगा। ए क्या करेगा, इसके अंदर हम यूज करते हैं CTS और RTS। RTS का मतलब हो गया रेडी टू सेंड, यानी जब ए डेटा को सेंड करेगा
तो वो क्या करेगा, एक आरटीएस सिग्नल भेजेगा बी के पास, आरटीएस सिग्नल भेजेगा बी के पास, यानी रेडी टू सेंड, यानी वो डेटा सेंड करने के लिए पहले वो ये चेक करेगा कि मेरी जो लाइन है वो खाली है या नहीं है। भाई सीधी सी बात है, अगर आप घर से बाइक निकालते हो तो पहले आप ये देखते हैं गली के दोनों तरफ, अपने घर के मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड में देखते हैं कि कोई व्हीकल तो नहीं आ रहा, व्हीकल नहीं आ रहा तभी आप गाड़ी निकालना स्टार्ट करते हैं। तो ए भी वही काम करेगा, पहले देखेगा कि रोड खाली है, यानी जो सिग्नल्स हैं वो खाली हैं, अगर खाली हैं तो वो क्या करेगा, एक आरटीएस भेजेगा रेडी टू सेंड, वो ए के बी के पास भेजेगा कि मैं डेटा सेंड करने के लिए रेडी हूँ। तो बी क्या करेगा, इस बीच मान चलिए सी वर्क कर रही है, यहाँ पर सी वर्क कर रही है या डी वर्क कर रही है, तो सी और डी को क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा, इनके पास भी सिग्नल भेज देगा कि हाँ इसका मतलब डेटा मेरे पास आने वाला है। यानी वो अगर डेटा ए जो डेटा को सेंड कर रहा है उसने तो भेजी कमांड रेडी टू सेंड, और बी क्या करेगा वो सीटीएस भेज देगा, यानी क्लियर टू सेंड कमांड भेजेगा, क्लियर टू सेंड कमांड कह लो या उसको सिग्नल कह लो, वो सी और डी के पास भेज देगा। ठीक है, तो अब ए क्या करेगा, डेटा को ट्रेवल कराएगा, और ट्रेवल कराने के साथ ही जब बी के पास डेटा पहुंच जाएगा तो बी उसको एक एक्नॉलेजमेंट देगा कि डेटा मेरे पास आ चुका है, और वो एक्नॉलेजमेंट सी और डी के पास भी जाएगा, डेटा मेरे पास आ चुका है, नाउ यू आर फ्री टू सेंड द डेटा। दैट इज द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ कॉलिजन। आज के लिए केवल इतना ही, आगे देखते हैं एरर चेकिंग, एरर डिटेक्शन इन नेटवर्किंग। आज के लिए बस इतना, घर पर रहिए, सेफ रहिए, जय हिंद।